दोस्तों, करंट से कापेगा पाकिस्तान। भारत का एक और हथियार चीन और पाकिस्तान में खलबली मचाने को तैयार। मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने पुष्टि की है कि तीसरे स्कॉर्पियन करंट पनडुब्बी पर बनावट का काम पूरा हो चुका है और यह जहाज अपने अंतिम चरण से गुजर रहा है और जल्द ही तैयार हो जाएगा। ये जहाज 2017 के अंत तक परीक्षण के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। आगे बताते हुए उनका कहना है कि बाकी की बची 3 पनडुब्बी पर भी काम तेजी से चल रहा है और हर 9 महीने के अंतराल पे एक पनडुब्बी बनकर तैयार हो जाएगा और 2020 तक तीनों पनडुब्बियों पे काम पूरा हो जाएगा। दोस्तों, पहली पनडुब्बी समुद्र में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी हथियारों का परीक्षण चल रहा है और इसके बाद उसे समुद्री बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। INS करंज का काम 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा और दिसंबर 2018 तक इसे बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। INS करंज की सारी खूबी स्कॉर्पियन क्लास की दूसरी सबमरीन्स के जैसी ही है। दोस्तों, इन पनडुब्बियों के भारत के बेड़े में शामिल होने के बाद भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसके बाद हम चीन के और करीब और पाकिस्तान कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिखेगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।